बलरामपुर जिलाधिकारी अरविंद सिंह के आदेश पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 10 लाख रुपए की लागत की विदेशी अंग्रेजी मदिरा के बड़े जखीरे को नष्ट करने की कार्यवाही की गई। लोकसभा चुनाव के दौरान दुरुपयोग की संभावना के दृष्टिगत काल बाधित 40 लाख रुपए की कीमत की 464 पेटी अंग्रेजी शराब को नष्ट करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा 3 सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसमें ASDM संजीव यादव, उपायुक्त आबकारी देवी पाटन मंडल और जिला आबकारी अधिकारी बलरामपुर को नामित किया तथा आबकारी विभाग की प्रवर्तन टीम को लगाया। DM द्वारा नामित कार्यकारी मजिस्ट्रेट संजीव यादव की अगुवाई में शराब के विनिष्टीकरण की कार्यवाही कराई गई है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।